नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ कोरोना वायरस को देखते हुए एक तरफ जहां मास्कों की कालाबाजारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संगठन प्रयास लगातार लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण कर रहा है और कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। नगर के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रयास ने 300 निःशुल्क मास्क का वितरण किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि सावधानी साफ सफाई ही कोरोना वायरस से लोग बच सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आज प्रयास सामाजिक संगठन की तरफ से कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हम लोग जो सबसे संवेदनशील जो स्वच्छता का काम करते हैं उनके बचाव के लिए हम लोग सफाई कर्मी जो भाई हमारे लगे हुए हैं जगह 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 स्वच्छता के लिए, आज हम लोग उनको मास्क का वितरण करेंगे। और हमारे साथी आ चुके हैं। आज का जो मास्क हमारा है, ये समझ लीजिए कि हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर इमरान जी फरिया से, उनके सौजन्य से दिया गया आज मास्क का वितरण। हम उनकी संवेदनशीलता को भी प्रणाम करते हैं कि आज की परिस्थिति में जहां मास्क का कालाबाजारी हो रही है, मास्क है नहीं, वो अपने यहां का मास्क उठा करके और ऐसे लोगों को वितरण करने के लिए संस्था को दिए। आज हम करीब 400-500 मास्क वितरण करेंगे। इसके पहले भी हम लोग एक बार मास्क वितरण कर चुके हैं। ये कार्यक्रम हमारा अनवरत चलता रहेगा। हम अपने तरफ से जो भी बन पड़ेगा हम लोग उपाय करते रहेंगे। बाकी काम सरकारों का है, वो अपने स्तर से करें, हम इसके लिए भी करते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।